आपने YouTube पर एक बात जरूर सुनी होगी कि जो आपके वीडियो पर रेवेन्यू बनता है यानी कि जो एडवर्टीजमेंट आते हैं उससे एडसेंस जो हमें पैसा देता है वो लोकेशन वाइज डिफर करता है। यानी कि आपकी वीडियो अगर इंडिया में देखी जाती है, पाकिस्तान में देखी जाती है, नेपाल में देखी जाती है और यूएस में देखी जाती है, न्यूजीलैंड में देखी जाती है, ऑस्ट्रेलिया में देखी जाती है, तो जो यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है वहां पर भाई साहब अगर देखी जाएगी वीडियो तो आपका रेवेन्यू काफी ज्यादा बनेगा और इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश में देखी जाएगी तो रेवेन्यू कम बनेगा। लेकिन भाई साहब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस में अगर आपको वीडियो दिखानी है तो आपकी वीडियो की लैंग्वेज भी उनके कंट्री के हिसाब से होनी चाहिए। और अब हम MLA अपडेट के बाद यानी कि मल्टीलिंगुअल ऑडियो अपडेट के बाद अपनी वीडियो में अलग अलग भाषा में ऑडियो ऐड कर सकते हैं। ये अपडेट मेरे चैनल पे आ गया है, मुझे फीचर मिल गया है, इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे ये काम करेगा और मेरी वीडियो अब आपको अलग अलग लैंग्वेज में भी दिखाई देगी उसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो क्योंकि भाई साहब ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और शायद ये वीडियो हमारी जो क्रिएटर कम्युनिटी है उसमें मैं पहली बार ही आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। तो चलिए आपको दिखाते हैं, ये मेरा चैनल है और इस चैनल पे आप देखेंगे तो ये है मान लो वीडियो, इस वीडियो पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। अब ये जो वीडियो है ये वीडियो हम ऐसे ही अपलोड करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन मिलता है हमको भाई साहब सबटाइटल का, ये जो सबटाइटल का ऑप्शन है इस पे हमें क्लिक करना है और जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी लैंग्वेज डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए मुझे क्योंकि MLA अपडेट मिल गया है तो यहाँ पे ये तो होता है सबटाइटल यानी कि हम जो कैप्शंस होते हैं लिखे हुए वो अलग अलग भाषा में डाल के SRT फाइल बना के यहाँ पे जो है अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही मेरे पास ऑडियो का भी ऑप्शन आ गया है यानी कि ऑडियो भी डाल सकते हैं और मैंने यहाँ पे एक इंग्लिश ऑडियो डाल रखी है, इसमें इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, और एक मैंने हिंदी की जो है डाल रखी है जिसमें मैं ऑटोमेटिक वीडियो बनाता ही हूँ, मतलब मैं हिंदी में ही वीडियो बनाता हूँ। और अगर मुझे और भी कोई लैंग्वेज ऐड करनी है तो मैं यहाँ से ऐड कर लूँगा, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ऐड लैंग्वेज पे जाऊँगा और जैसे ही मैं करूँगा तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मुझे कौन सी लैंग्वेज ऐड करनी है और उस लैंग्वेज के मैं कैप्शन और यहाँ पे मैं जो है ऑडियो यहाँ पे डाल सकता हूँ। इस ऑडियो को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, इस ऑडियो को मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे चाहूँ तो मैं दूसरी ऑडियो भी जो है अपलोड कर सकता हूँ। अब बात आएगी कि एक तो ये फीचर आपको मिलेगा कैसे, तो फीचर तो भैया धीरे धीरे रोल आउट होगा। बात आती है कि ऑडियो जो हम डाल रहे हैं ये भाई साहब कैसे आएगी, जैसे मान लीजिए मुझको वियतनामीज ऑडियो डालनी है, मुझे तो वियतनामीज आती नहीं है तो मैं वो ऑडियो कैसे डालूंगा। तो इसके देखिए दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि जैसे मैं मान लो वीडियो हिंदी में ही बनाता हूं तो मेरे को जो लैंग्वेज अच्छी लगती है मैंने उसमें वीडियो बना दिया, मैंने हिंदी में वीडियो बना दिया। अब मैं कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट से या कोई जो डबिंग आर्टिस्ट होता है उनसे डब करवा लूं, वो मैं पर्सन अपने पास रख भी सकता हूँ इन हाउस भी, या मैं फ्रीलांसर से भी जो है ऑडियो डब करवा सकता हूँ। एक तो ये तरीका है लेकिन ये तरीका थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। इसके अलावा AI के जो टूल है उनको भी मैं यूज कर सकता हूँ, बहुत सारे AI टूल है उनको मैं यूज करके भी ये सब काम करवा सकता हूँ। जैसे डबवर्स काफ़ी बढ़िया है, एक स्पीचिफाई है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो जब हम AI से अपनी ऑडियो को डब करवाएंगे दूसरी लैंग्वेज में तो वो वीडियो मोनेटाइज हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे जो इंग्लिश की ऑडियो डाली है वो मैंने एक AI टूल से डब करवाई है और मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। अब इसका आपको मैं एक बार रिजल्ट दिखाता हूँ, जैसे एक वीडियो है अनलिस्टेड है फिलहाल, मैंने आपको दिखाने के लिए बताया, तो यहाँ पे देखिए ये वीडियो है, ये वीडियो मैं आपको भी शो करके चला के दिखाता हूँ। You might be shocked to see the thumbnail of this video, that how is it possible? अब ये फिलहाल इंग्लिश में वीडियो चल रही है बट ये AI की ऑडियो है, लेकिन ये आपको एक ह्यूमन ऑडियो लगे क्योंकि आजकल के जो AI है वो काफी इंप्रूव हो गए। अब यहाँ पे जब यूजर इस वीडियो को देखेगा कोई भी ऑडियंस, तो यहाँ पे सेटिंग में जाके वो यहाँ पे ऑडियो ट्रैक चेंज कर सकता है। जैसे हिंदी मेरी ओरिजिनल है, जैसे ये मेरी हिंदी है और यहाँ पे मैं चला के दिखाता हूँ। ये वीडियो का थंबनेल देखकर आप चौंक गए होंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तो ये हिंदी है। अब अगर किसी को इंग्लिश में देखना होगा, मान लो कोई दूसरी कंट्री में देख रहा है उसे इंग्लिश में देखना है, तो यहाँ पे देखे ऐसे इंग्लिश चूज करेगा और वो यहाँ पे देख सकता है। You might be shocked to see the thumbnail like it now, caught in something and your consistency. तो इस तरीके से आप चाहे जितनी लैंग्वेज इस MLA अपडेट के बाद जो है ऐड कर सकते हैं और आपकी वीडियो दूसरे देशों में भी उनकी भाषा में वो लोग देख सकते हैं। और जो वॉइस ओवर वाली वीडियो जिनमें ज्यादा वॉइस ओवर होता है उनमें तो ये फीचर बहुत ही तगड़े लेवल पे काम करेगा क्योंकि विजुअल जो है वो दिखते रहेंगे और जो लैंग्वेज है ऑडियो वो भी सुनाई देगी। तो आप AI का यूज करके भी इस तरह से कर सकते हैं और जब भाई बाहर की कंट्री में आपकी जो वीडियो देखी जाएगी तो एक तो आपकी रीच ग्लोबल हो जाएगी और भाई साहब जो पैसा आपको मिलेगा एडसेंस से वो तो भैया बहुत ही जबरदस्त मिलने वाला है। तो इस अपडेट का ये एक्सक्लूसिव वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, आपको ये फीचर कैसा लगा इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।